तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी और यहां पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है। इसके साथ ही जो समर्थक की लिस्ट है वो भी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपी है और इस तरह से जो औपचारिकता है नई सरकार बनाने की वो पूरी होती हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति के सामने नई सरकार बनाने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश कर दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र भी सौंपा है। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले आपको बता दें कि संसद भवन में वहां के सेंट्रल हॉल में एनडीए का नेता उन्हें चुना गया और उसके बाद एनडीए के जो तमाम नेता थे वो सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और वहां पर उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा। नमस्ते साथियों, आज एनडीए की मीटिंग हुई थी और जैसा आप सब जानते हैं एनडीए के सभी सांसदों ने और एनडीए से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुन करके एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं एनडीए के सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने आज राष्ट्रपति जी को मिलकर के इस निर्णय की जानकारी भी दी और बाद में राष्ट्रपति जी के सूचन पर मैं आज अभी उनसे मिलने आया था। राष्ट्रपति जी ने मुझे पदनामित प्रधानमंत्री के रूप में पत्र दिया है और शपथ मंत्रिपरिषद के शपथ के लिए आगे की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित किया है। मैं हो सके उतना जल्दी आगे की कार्यवाही की जानकारियां आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊंगा। स्वाभाविक है, एक देश एक बहुत ही बड़ा प्रचंड जनमत दिया है, और इन जनमत के साथ जन आदेश के साथ जन अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए और विशेष करके 2022 जब आज़ादी के 75 साल देश मनाने जा रहा है, ये अवसर अपने आप में 130 करोड़ देशवासियों का अवसर बने। आज़ादी के आंदोलन में जैसे हर देशवासी कोई न कोई संकल्प करता था, वैसा हर देशवासी देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए संकल्प करें और जीवन में उसको उतार करके दिखाएं, ऐसा अवसर 2022 हमारे सामने है। ये वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का भी है और ये वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष का भी है, यानी एक प्रकार से बहुत ही सुभग अवसर का ये कार्यकाल है और विश्व की जो स्थिति है उसमें भी भारत के लिए अनेक संभावनाएं लेकर के समय आया है। उन अवसरों को हम गंवा न दें, उन अवसरों का अधिकतम फायदा लेने के लिए भारत को हम सज्ज करें। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो वातावरण है उसमें हम बल प्रदान करें। उन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार अपना काम तेज गति से आगे बढ़ाएगी।
हम नहीं चाहते हैं कि एक पल भी विराम का जाए। चरैवेति 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 के मंत्र को साकार करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्येय प्राप्त करते रहें। इस मिजाज के साथ नई सरकार भी काम करे, उस संकल्प को मैं फिर एक बार देश के सामने दोहराता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक ऐसा मंत्र है जो भारत के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वसमावेशक विषय के विकास के लिए बहुत ही उत्तम राह दिखाता है। सबकी सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि, उसके प्रति भी प्रतिबद्धता के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। फिर एक बार देशवासियों का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि नई सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना सरकार बनाने का, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने इस छोटे से संबोधन में दी। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द आगे की प्रक्रिया की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को सौंपेंगे। एक भी क्षण ये सरकार विराम के मूड में नहीं है। चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत पर हम काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रचंड जनादेश इस देश की जनता ने दिया है वो एक तरह का आशीर्वाद है और वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का एहसास हमें है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, हर गतिविधि हर पल की अपडेट हम तक पहुंचाई उन्होंने, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, इससे पहले जिस तरह से सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और वाकई बहुत सारी बातें उस संबोधन में रहीं, और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति को नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, और जाहिर सी बात है बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात एक बार फिर प्रधानमंत्री ने रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं और एनडीए के सभी सांसदों लगभग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से 2024 तक का अगर देखा जाए तो उसकी एक ब्लूप्रिंट भी सामने रखी, जिसमें अल्पसंख्यकों के बारे में भी स्पष्ट तौर पर कहा कि आजादी के बाद से अभी तक उनके लिए उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इस मानसिकता में हमें छिद्र करना है। उन्होंने विकास के एजेंडे की बात कही कि सबका साथ लिया, सबका विकास किया, अब सबका हम विश्वास हासिल करेंगे, यानी कोई भी तबका ना हो, कोई भी जात, कोई संप्रदाय, कोई भी अछूता ना रहे विकास की गति से, और इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया प्रधानमंत्री ने। और राष्ट्रपति ने इस न्योता को, इस दावे को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने का उनको न्योता भी दिया है। अब रही जहां तक शपथ की बात, तो जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि 30 तारीख के आसपास या 30 तारीख को वो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि उसके पहले काफी औपचारिकता होती है, मंत्री कौन कौन बनेगा, घटक दलों से कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे, क्या शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से पिछले बार सार्क कंट्री के नेताओं को बुलाया गया था, क्या इस बार आसियान को बुलाया जाएगा या फिर G8 के देशों को किसी बड़े नेता को बुलाया जाएगा, तमाम तरह की एक औपचारिकता होती है जिसमें समय लगता है, इसलिए माना जा रहा है कि 30 तारीख के आसपास शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी रविंद्र, एक चीज और बड़ी खास रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन में कि उन्होंने एक तरह की चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मीडिया के बीच एक तरह का प्रचार पाने के लिए और कुछ भी बड़बोलापन कह दिया जाता है, उन्होंने बहुत कंक्लूसिव तरीके से एक सख्त चेतावनी भी दी है कि इन सब से बचना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वर्षों से जो मेहनत चली आ रही है पार्टी की उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ध्यान है प्रधानमंत्री को कि क्या कुछ गलतियां हुई हैं इस बीच। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पिछले अगर 5 साल से देखें तो बीजेपी की जो संसद जब करवाई है उसमें
में हर मंगलवार को संसदीय दल की बैठक होती है और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को यही हिदायत देते रहे या फिर संगठन की जो बड़ी बैठक होती है उसमें भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, जिसको ये दायित्व तो दिया गया है प्रवक्ता पद की या सरकार के बारे में जानकारी देने के लिए, संगठन के बारे में जानकारी देने के लिए, केवल वही अपना दायित्व तो निभाए, न कि आप कोई भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख देता है जो पार्टी के हित के खिलाफ होता है। अभी आपने देखा होगा चाहे गोडसे के मामले में प्रज्ञा ठाकुर जो चुनाव लड़ रही थी अब तो सांसद बन गई है, उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सामने आना पड़ा, तमाम बातें होती है जिसको लेकर पार्टी के लिए काफी परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने शारीरिक तौर पर कहा कि मीडिया के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, जिनको दायित्व है वही केवल बात करे, दूसरा न बात करे। एक तरह सख्त चेतावनी कि आने वाले 5 साल में आप केवल सांसद हैं, अपने जो गृह क्षेत्र है, अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसके प्रति उत्तरदायित्व रखिए, अपने देश के प्रति रखिए, न कि आप हर मामले में अपनी विचार रखकर पार्टी और सरकार को परेशानी में डालिए। बिल्कुल। और रविंद्र, एक नया नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जाहिर सी बात है उस नारे के जिक्र के बगैर ये बात पूरी नहीं होगी। नारा जो है अब तक उछाला जाता था लेकिन नेशनल एम्बिशन, रीजनल एस्पिरेशन, और हमने देखा कि एकदम से तालियों की गड़गड़ाहट वहां गूंजी और सबने समर्थन किया और कहा कि एनडीए का दूसरा नाम है एनर्जी और सिनर्जी और हमें एक कार्यकर्ता अपने अंदर जो है उसे मरने नहीं देना है। बहुत सारी बातें थीं और जाहिर सी बातें कल तमाम सुर्खियाँ बनने वाली उनकी एक एक बात की। बिल्कुल, जब मंच सेंट्रल हॉल के मंच पर जहां पर प्रकाश सिंह बादल हो, नीतीश कुमार हो, एडीएम के नेता थे, वहां पर शिवसेना अध्यक्ष थे, तमाम तरह के जो घटक दल के नेता हैं वो मौजूद थे, तो जाहिर तौर पर भले ही बीजेपी को अपने दम पर 300 से ऊपर सीटें आई है लेकिन सरकार जब एनडीए के साथ बना के लिया जा रहा है तो एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय जो नेशनल एम्बिशन है उस उन्होंने साफ तौर कहा कि नेशनल एम्बिशन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, यानी सीधे संकेतों में कि देश की जो सुरक्षा है उस पर आंच नहीं आ सकती है किसी भी तरह से। और जो रीजनल एस्पिरेशन है, जाहिर तौर पर कई बातें होती है जो क्षेत्रवाद की बात होती है, क्षेत्र के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए जो रीजनल पार्टियां चाहती है उसमें ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिले या ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिले। तब आप उदाहरण के तौर पर जैसे कि बिहार में यह मामला उठ रहा था, चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए में थे तब ये मसला उठा रहे थे स्पेशल पैकेज के, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन के बीच में एक संतुलन बनाकर हमें देश का विकास करना होगा जिससे कि एनडीए भी मजबूत हो और देश भी मजबूत हो। बिल्कुल रविंद्र, और ये बात बहुत सही तरीके से उन्होंने जो रखी है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने सही वक्त चुना है क्योंकि एनडीए के घटक दल के तमाम नेता मौजूद थे, तमाम सांसद मौजूद थे, अनुभवी और नए लोगों का वहां पर समावेश था और नए लोगों का बहुत जोशो खरोश से स्वागत भी उन्होंने किया और जाहिर सी बात है कि इस सरकार की जिम्मेदारियों से बहुत सही तरीके से उन्होंने अवगत करा दिया है कि ये जो तमाम नेता हैं उन सब पर अब जिम्मेदारी है कि अब जिस तरह का मैंडेट मिला है उसमें कहीं भी कोई चूक नहीं हो सकती। अब देखिए, इतना भारी मैंडेट अगर जनता ने विश्वास प्रकट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में या फिर कहें कि बीजेपी में या फिर एनडीए में, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो उस विश्वास को टूटने न पाए, यही एक तरह से मोटे मोटी तौर पर उन्होंने संदेश दिया है। और ये सबका दायित्व है, सिर्फ प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बल्कि सारे मंत्री, सारे सांसद और सारे कार्यकर्ताओं के दायित्व है कि इस मैंडेट के जो मिला है जनता से उस विश्वास पर खरा उतरा जाए, सरकार के द्वारा भी, संगठन के द्वारा भी, अपने व्यक्तित्व द्वारा भी, कर्तृत्व द्वारा भी। यही संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पार्टी को भी दिया क्योंकि संगठन के भी तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद। बिल्कुल, तो एक अपने संबोधन के जरिए और अपनी बातों के जरिए बहुत स्पष्ट संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस अहम चर्चा के लिए। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा पेश कर दिया है नई सरकार बनाने का। अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी, संभावना यही है कि 30 तारीख तक शायद सरकार शपथ ग्रहण कर ले, उससे पहले तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ले।